नमस्कार जोहार। लोरिक चंदा की कहानी के इस कड़ी में हम आपको उनके निश्चल प्रेम की कथा सुनाने जा रहे हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए आप हमारा यह वीडियो अंत तक देखिए। लोरिक और चंदा सामाजिक बंधनों का विरोध करते हुए अपने वैवाहिक जीवन को छोड़कर एक दूसरे के साथ हरदी भाग जाते हैं और वहां अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन चंदा का पति सेवहर हरदी जाकर वहां के राजा को लोरिक के खिलाफ भड़काता है। राजा भी लोरिक से क्रोधित हो जाता है। किंतु एक दिन राजा का हाथी नाला में गिर जाता है, जिसे अनेक नौकर चाकर मिलकर भी उठा नहीं पाते। परंतु लोरिक बड़ी सहजता से उसे उठाकर खड़ा कर देता है। इस घटना से राजा इतना प्रभावित होता है कि लोरिक को अपना मित्र बना लेता है और लोरिक की मदद से अपने शत्रुओं को पराजित करता है। लोरिक से खुश होकर राजा उसे अपना आधा राज्य सौंप देता है। इस प्रकार चंदा और लोरिक खुशी से अपने जीवन का निर्वहन करने लगते हैं। तभी एक दिन मंजरी की दुर्दशा की खबर लेकर एक व्यापारी लोरिक से मिलने आता है। प्रेम दीवानी चंदा पत्रवाहक को हर प्रकार से रोकना चाहती है, जिससे लोरिक वापस मंजरी के पास न जा सके। चंदा की मनोदशा से प्रेम की एक निष्ठता का पता चलता है, लेकिन लोरिक अपने प्रेम का यथावत निर्वाह करता है। इस त्रिकोणी प्रेम में मोह नहीं, अपितु समर्पित प्रेम की जीत होती है और लोरिक सब कुछ छोड़कर मंजरी के पास वापस लौट जाता है। जैसे ही लोरिक अपने गांव वापस लौटता है, तब वहां गांव वालों के कहने पर मंजरी के सतीत्व की परीक्षा ली जाती है। मंजरी अपनी अग्नि परीक्षा अर्थात सतीत्व की परीक्षा में सफल होती है। लोगों के द्वारा उसके चरित्र पर शक किए जाने पर मंजरी कच्चे धागे से कुआं से घड़ा भरकर पानी खींचकर अपने निश्चल पति प्रेम, पति धर्म और लोरिक के साथ अपने सच्चे प्रेम का परिचय देती है। अब मेरे मन में सवाल यह उठता है कि लोरिक मंजरी के भारतीय प्रेम की अपेक्षा लोरिक चंदा की प्रेम कहानी ही अधिक लोकप्रिय क्यों हुई? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि विद्वानों और साहित्यकारों ने लोरिक मंजरी की कथा की उपेक्षा की है, जबकि यह अधिक प्रभावशाली और भारतीय धर्म संस्कृति के अनुरूप है? अपने विचार हमें जरूर बताइएगा और कहानी की अगली कड़ी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।